ओप्पो ने अपना ओप्पो A3 प्रो को लॉन्च कर दिया है। ये फोन फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है और बहुत ही जल्द ये फोन इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। ये एक मिड रेंज सेगमेंट का फोन है और ये IP69, IP68 और IP66 सर्टिफाइड है। कंपनी का कहना है कि ये फोन पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, जो कि गर्म पानी के साथ साथ झाग वाले पानी और वाटर स्प्रे को भी झेल सकता है। पर भाई, हम फोन को गर्म पानी और झाग वाले पानी में लेके जाएंगे क्यों? इसका तो हमें जरूरत ही नहीं है। बात तो सही है, बट एक चीज तो है, IP69 फ्लैक्सी फोन में भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तक कि ओप्पो के खुद के फ्लैक्सी फोन में भी नहीं देखने को मिलता है IP69। बट यहाँ पे एक मिड रेंज फोन में ये फीचर्स देखने को मिल जाता है, ये अच्छी बात है। इस फोन का 3 वेरिएंट लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज और टॉप वेरिएंट 12GB रैम, 512GB इंटरनल स्टोरेज में। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है और एंड्रॉइड 14 पे लॉन्च किया है। कलर OS 14 पर काम करता है। इसमें डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया है, जो कि 6 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए, IP69 तो दे दिया, बट यहाँ पे प्रोसेसर अपग्रेड करना भूल गया। ये प्रोसेसर अंडर 20,000 के फोन में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि अंडर 15,000 के फोन में भी डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसमें 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसमें 800 निट्स का HBM और 900 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। इसमें डुअल रियर कैमरा दिया है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ओ भाई, मारो मुझे मारो। रियर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया समझ में आ रहा है, बट फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी अंडर 30,000 के फोन में। एनीवे, इसका रियर कैमरा से 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से 30fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 5000mAh की बैटरी दिया है, जो कि 67W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। बाकी इसमें Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.3 है, FM रेडियो देखने को नहीं मिलता है, 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन है। तो ये सब ओप्पो A3 प्रो में देखने को मिल जाएगा। बात करूँ प्राइस की, तो इसका बेस वेरिएंट 8GB+256GB का प्राइस 1999 युआन रखा है, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते तो करीब 23,000 के आसपास होता है। दूसरा वेरिएंट 12GB+256GB का प्राइस लगभग 25,000 का है और टॉप वेरिएंट 12GB+512GB का प्राइस लगभग 29,000 का होता है। इस फोन का लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, बट ये फोन आपको मई के महीना में देखने को मिल सकता है। इस फोन का प्राइस चाइना में 23,000 से शुरू हो रहा है, तो ये फोन इंडिया में अराउंड 30,000 में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको इस फोन के लेके क्या कहना है और आपको ये फोन कैसा लगा, ऐसे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।